ओए भाई साहब ये क्या था? Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. तो हेलो गाइज, कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ गन मोड। तो गाइज बहुत ही क्रेजी गन मोड है, तो चैनल मैंने सब्सक्राइब कर दो, वीडियो मैंने तो लाइक कर दो। एंड आई एम रियली सॉरी गाइज, बहुत ही दिनों बाद वीडियो आई है क्योंकि बहुत ही खतरनाक गन मोड है। तो स्टार्ट करते एंड इस वीडियो में लाइक टारगेट रखते हैं 100 क्योंकि गाइज इस वीडियो में कुछ ऐसा का ऐसा सीखने वाला हो जो किसी ने बताया नहीं होगा इस मोड के बारे में। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना। ओके तो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो। गाइज इस गन मोड को यूज़ करने के लिए आपको न्यू कंट्रोल्स जो ऐसे होते हैं ना, ये वाले आपको कंट्रोल के यूज़ करना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड मैं तो कीबोर्ड एंड माउस से खेल रहा हूँ तो ऐसा ही होता है। एंड मैं ऑमलेट आर्केड में हर रोज़ लाइव करता हूँ एंड मेरे 600 फॉलोवर हो गए, तो मतलब कि थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन का तो थैंक यू। एंड या शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइज अब जैसे इस वर्ल्ड में ये मोड लगाओगे तो गाइज पहले तो सारे यहाँ पे धूल धूल डल डल थोड़ी सी कुछ चीज़ें आएगी, तो आप देख ही सकते हो। एंड ऐसी डल डल चीज़ें आएगी। एंड यहाँ पे जो चेस्ट रखी है, यहाँ पे हमारे गन्स हैं एंड यहाँ पे टारगेट ब्लॉक्स हैं जो हमारे मोड में ही आएंगे। ओके तो मैं आपको गन्स दिखा देता हूँ। ओके तो गाइज ये यहाँ पे बहुत सारी गन्स है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके 2 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि जो इसके एमओ है बहुत ही आपको ढूंढने में बहुत ही दिक्कत होगी। मैंने मतलब कि सेट करके यहाँ पे सब कुछ रखा है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना यार। ये इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ये बहुत सारी गन्स है एंड यहाँ पे ग्रेनेड्स तक भी है। एंड यहाँ पे कुछ इस चेस्ट में कुछ स्पेशल चीज़ है जो मैं लास्ट में दिखाऊंगा। ओके तो गाइस पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे ग्रेनेड्स तक भी है एंड बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक इसमें 15 से ज़्यादा एमओ होगी एंड 10 जैसी गन्स हैं एंड 1 ग्रेनेड्स हैं एंड 1 ग्रेनेड है। एंड एक चीज़ इसमें थोड़ी सी बुरी लगी जो मैं बताना चाहूँगा कि भाई इसमें एमओ तो क्राफ्ट होती है सर्वाइवल में, बट गन्स क्राफ्ट नहीं होती, ये थोड़ी सी दिक्कत है। एंड इस मोड में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स डाला हुआ है, आप पीछे देख रहे होगे ज़ॉम्बी दिख रहा है आपको, तो ये ऑटोमेटिकली स्पॉन होता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ गन्स को यूज़ करने का थोड़ा सा नज़रिया। तो हम पहले राइफ़ल एमो ट्राई करेंगे। ओके लेट्स गो। तो गन्स को ट्राई करते हैं। ओके तो हमारे फर्स्ट गन है M4A1। तो ओके सब कुछ मैंने ले लिया है एंड इसको अब सेट कर लेते हैं इन्वेंट्री में। मैं सेट करके आपसे मिलता हूँ। ऑलराइट गाइज, हमारी गन सेट हो चुकी है, अब बस हमें खेलना है। लेट्स गो। और गाइज हाँ, एनिमेशन देखना है, एनिमेशन मैं भूल गया बताना। तो गाइज इस गन की एनिमेशन आप चलते हुए देखो, जैसे एक रियल आर्मी प्लेयर हो वैसे ये चलता है। एंड मैं फर्स्ट पर्सन में दिखा दूँ तो कैसे गन पकड़ता है, तो ये देखो। तो गाइज एनिमेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं एंड देखो ये चलता है, कैसे चलता है देखो। तो गाइज अब हम टेस्ट करेंगे गन में। अब देखो मैं कुछ ट्यूटोरियल दे देता हूँ कि भाई आप क्राउच करोगे ना तो स्कोप खुलेगा एंड ऑटोमेटिकली रिलोड होगा। ओके तो लेट्स गो ट्राई करते हैं। आवाज़ सुन रहे हो गाइज, आवाज़ सुन रहे हो। एंड यहाँ पे वंडरिंग टेरर है। ज़ॉम्बी कहाँ पे यार? ज़ॉम्बी, आज हम ज़ॉम्बी को हंट करने वाले गाइज। Where are you zombie brother? I am come your hunter bro. भाई कहाँ पे है? अभी तो बहुत सारे स्पॉन हो रहे थे। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है गाइज, यहाँ पे कभी भी ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाते हैं एंड यही कहीं होंगे। एंड गाइज चलने का स्टाइल, हाँ। तो गाइज ये है शॉटगन। सॉरी गाय माता, बट नहीं ओके गाय माता को परेशान। तो गाइज ये मिस्ट्री बॉक्स अब मैं ओपन करने वाला हूँ। तो गाइज इससे हम ज़ॉम्बी रेड्यूस को बुला सकते हैं। ओके एंड गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सारी गन्स को मैं ट्राई नहीं करने वाला, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। और गाइस ये है न्यूटन, मतलब कि रेड्यूजम ज़ॉम्बी। तो गाइस कुछ ऐसे होने वाले हैं। एंड ये शॉटगन मुझे खास पसंद नहीं आई, बट एनिमेशन देख रहे हो रिलोड का। एंड गाइज ये मरते तो कुछ ऐसे होते हैं, देखो। अब पिस्तौल को भी देख लो भाई, रिलोड का एनिमेशन। जैसे शूटिंग गेम खेलते हैं ना, वैसा लग रहा है गाइज, सच में बोल रहा हूँ यार। डाउनलोड कर लो भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड आई थिंक हो सके तो मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ हमारे लाइव स्ट्रीम में, हो सके तो। वहाँ पे देखो गाइज न्यूटन ज़ॉम्बी है। गाइज AWM लगता है, रुको AWM वहाँ पे, लेट्स गो AWM। तो गाइज AWM हमने ले ली है, जो मोस्ट पावरफुल गन। वाह वाह क्या एनिमेशन है ब्रो। मरा या नहीं मरा? ओबे मर गया रे। ये पट से हेडशॉट। एक ही गोली के बंजा खाते हम ब्रदर, खाता हूँ। हमसे पंगा लोगे क्या? एंड अब टेस्ट करने वाले हैं कुछ ग्रेनेड्स को, लेट्स गो। तो गाइस ग्रेनेड में भी टाइमर होता है भाई, ये रियल लाइफ बनाए, जिसने भी बनाए बहुत ही खतरनाक है। एंड गाइस अब ग्रेनेड का एनिमेशन देखना। टाइमर साइड में है। एंड ये मैंने ग्रेनेड फेंक लिया। भाई साहब भाई कोई चलने की आवाज आ रही है। भाई कोई तो है इस वर्ल्ड में, मुझे जल्दी से डे करना पड़ेगा। भाई साहब और गाइज अब हम यूज करने वाले हमारी बड़ी अम्मा को, मतलब कि KGF की बड़ी अम्मा, और हमारे भी होने वाली इस बार। भाई ये गन को तो हम चलाएंगे। भाई साहब देख रहे हो गाइस, देख रहे हो क्या लग रही है यार। आज तो थंबनेल ही इसको डालूंगा यार, मज़ा आ जाएगा यार। पूरी शरीर में वो रोंगटे खरंग हो गए, मतलब कि खड़े हो गए। तो बड़ी अम्मा तो पता है ना आपको, मशीन गन मतलब की। भाई साहब गरम हो गई यार। ये भाई साहब ये एनिमेशन तो देखो यार, कितनी मस्ती ने। तो गाइज ये है थंडर गन, आई थिंक थंडर ही होगी ना, थंडर गन। तो गाइज इसकी एनिमेशन जरा इसको भी देखो, क्या छोटी सी है बट क्या लग रही है भाई साहब। लेट्स गो। तो किस पे यूज़ करे? भाई इसके मुंह तो देखो यार, इसके लिए तो यही काफ़ी है। ओए भाई साहब ये क्या था? ओ इसको ये धूप, भाई मैं डे कर देता हूँ 2 मिनट। भाई थंडर गन क्या गन है यार। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है मेरी? है डर लग रहा है क्रिएटिव में, वो फिर भी डर लग रहा है। थंडर गन तो कुछ नहीं है यार, हाँ मतलब वो मशीन गन तो कुछ नहीं है इसके सामने। भाई इसकी आवाज़ तो सुनो। भाई साहब ये गन है, ये क्या है? इसके पूरे खून खून कर दिया यार। भाई साहब क्या किसने बनाया ये मोड? एक बार यार भाई साहब मैं कुछ कहना चाहूँगा, ये गन क्राफ्ट होनी चाहिए बस। ये क्राफ्ट नहीं होती है, एमओ ही क्राफ्ट होती है। ओ भाई यार ये क्या देखा था? देखो देखो, ओ भाई। और ये गन देखो गाइस, भाई ये गन है क्या है बबाल है। पहले तो ये चीज़ करेंगे, ये कुछ बहुत तगड़ा लग रहा है। इसको यहाँ से दूर से मारना होगा। मैंने फ्री फायर खेल रहा हूँ इसलिए मुझे पता है आई थिंक। ओ बस भाई ये देखना, ये कुछ निकल रहा है यहाँ से। भाई एरो कहाँ है मेरा एम? भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब क्या गन है यार। इसकी आवाज़ तो देखो यार, सच में यार मैं इसकी वीडियो बनाने थी यार, मैंने थोड़ा लेट हो गया। भाई इसमें मेरी सेंसिटिविटी थोड़ी कम है इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है थोड़ी। तो गाइज अब आई थी हमारे P19। एंड हमारे मोस्ट पावरफुल गन AK-47 भाई साहब। और वो गन तो बहुत ही अच्छी थी यार। ये देखो यार कहाँ पे गई। एनिमेशन जिसने भी बनाया भाई साहब नाइस यार। बस एक ही गलती की है कि आप गन क्राफ्ट क्यों नहीं कर सकते। ये कितनी गोली में मरते देखो यार। यार ये भाई ये कंट्रोल में है ना वो होता है। ओके भाई कीबोर्ड एंड माउस से ये रिलोड ऑटोमेटिकली नहीं होता। आई थिंक मैंने एमओ ही नहीं ली होगी। रुको मैं एमओ ले लेता हूँ। एमओ 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 भाई एमओ ही नहीं ली। वाह देखो एमओ ली ना ऑटोमेटिक रिलोड। इसकी रिलोड में दिखा देता हूँ। ओके तो गाइज यही थी। एंड मैं कुछ दिखा देता हूँ कट में। ये पता ये कोई रो रेडियम को चीज़ है कुछ, ये कॉपर का नगेट्स हैं कुछ चीज़ें। मैं पहले इन्वेंट्री इसमें खाली कर देता हूँ। अगर ये दोनों कुछ चीज़ है बहुत ही अच्छी है, मतलब इस ये बहुत ही थोड़ी सी महंगी है, रो रेडियम कुछ डायमंड्स एंड कुछ चीज़ें से बनती है। भैंस की तो भी सुधरा नहीं है। तो गाइस मुझे कमेंट करना कि कौन सी गन आपको पसंद आई। यार बहुत ही लॉन्ग वीडियो है इस बार। वीडियो कैसा लगा वो मुझे बता देना कमेंट में। एंड ये वीडियो यार भाई मैंने यार गन मोड क्यों नहीं डाला, बस इस गन मोड में यही चीज़ है कि भाई एमओ तो क्राफ्ट कर सकते हो बट आप है ना वो गन्स को क्राफ्ट नहीं कर सकते, यही लगा। नहीं तो देखो गन को भी क्राफ्ट कर सकते हो और वो ऊपर से ज़ॉम्बीज़ भी स्पॉन होते रहते हैं। देखो कहाँ पे हो गए अभी अभी। एंड इसका भाई वो देखो ना कैसे धूल धूल मच गया है भाई साहब, जैसे कुछ वो होता है ना। देखो ऐसे ही खुले में ज़ॉम्बीज़ घूमते रहते हैं एंड बारिश में इसको डैमेज पड़ता है। तो गाइस इसी वजह से हम इसको एक सीरीज़ बना सकते हैं ज़ॉम्बी अपोकलिप्स पॉकेट एडिशन में। बट ये भाई गन क्राफ्ट नहीं कर सकते, जिसको लिए आपको क्रिएटिव में गन्स लेके फिर आपको भाई आना होगा इस वर्ल्ड में। ऐसे कुछ चीज़ें हैं। एंड ज़ॉम्बीज़ तो बहुत ही खतरनाक है। नेदरराइट के 4 शॉट पड़ने, ये नेदरराइट की जो स्वॉर्ड है ना उसे 4 शॉट पड़ते फिर भी वो मरते नहीं है, मतलब कि 4 शॉट में ख़त्म। एंड आई होप, और मुझे कमेंट करना है आपको कौन सी गन ज़्यादा पसंद आई। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।